अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक और नई रेसिपी लेकर। रेसिपी जानने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट रेसिपी की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलो आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को आम का जैम बनाना सिखाऊंगी कि घर में आम का जैम किस तरह रेडी होता है। इसीलिए वो ज़्यादा मज़े का होगा और ज़्यादा हेल्दी भी होगा। तो चलो मैंगो जैम की रेसिपी शुरू करते हैं। हमें क्या करना है कि हमें इसके लिए मैंगो चाहिए। आप जितना जैम बनाना चाहते हो उतने आप मैंगो ले लो। मैं अगर आप ज़्यादा खट्टा जैम खाना पसंद करते हो तो मैंगो कुछ कच्चे ले लेना, और अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो आप ज़्यादा पके हुए आम ले लेना, आपकी मर्ज़ी। मैंने थोड़े ज़्यादा कच्चे आम लिए हैं। मैं इनको पहले आम को वॉश कर लूँगी और फिर इनके छिलके उतारूँगी। छिलके उतारने के बाद हमने इनको जो टुकड़े किए हैं आम के, इनको हमने बॉईल कर लेना है, और बॉईल करने के बाद इन्हें हमने अलग रख देना। और फिर हमने इसका शीरा रेडी करना है। शीरा हमने इसका इस तरह रेडी करना है के दो गिलास चीनी के हो और एक गिलास पानी का हो, और जब चीनी इसमें अच्छी तरह मेल्ट हो जाए तो समझो आपका शीरा रेडी है। अब आपने जो मैंगो के पीसेस को बॉईल किया था आपने इस शीरे के अंदर डाल देने हैं, और इसके अंदर ही आपने उसको रख लेना है, और 10-15 मिनट बाद आपका मैंगो जैम रेडी हो जाएगा। और इसको आपने किसी बोतल के अंदर डालकर फ्रिज में रख देना है, और जब जैसे चाहे आप इसको खा सकते हो ब्रेड के साथ, ब्रेकफास्ट के साथ। अगर भूख लगी हो तो हम इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की जो छोटी सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।